इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शिव भक्ति में लीन रहा श्रावण का पहला सोमवार, शिवालयों में गूंजते रहे बम बम भोले के जयकारे, कई धार्मिक अनुष्ठान हुए संपन्न। प्रस्तुत है गंज बासौदा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। सावन का पहला सोमवार शिव भक्ति में लीन रहा। नगर सहित आसपास के शिव मंदिरों में भगवान का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। धर्मकांटा स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर, उदयपुर स्थित नीलकंठेश्वर मंदिर के अलावा शिवधाम गमाकर में सुबह से श्रद्धालुओं ने धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए। शिवालयों में दिन भर हर हर बम बम के जयकारे गूंजते रहे। महिलाओं ने मंदिरों में भजन कीर्तन करके उपवास रखा और भगवान भोलेनाथ की भक्ति की। नवलखी मंदिर में शिव पुराण कथा का आरंभ हुआ और सोमवार के दिन विशेष भीड़ उमड़ी। ज्ञात हो कि आज से श्रावण मास के प्रथम सोमवार का शुभारंभ हो चुका है। नगर सहित आसपास के शिवालयों में मंदिर समिति द्वारा विशेष साज सज्जा की गई है। कई मंदिरों में शिवलिंग बनाने का क्रम भी चालू हो चुका है। शिव भक्तों ने सावन के पहले सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हुए उपवास रखा। सुबह से ही श्रद्धालु हाथों में जल कलश लिए भगवान भोलेनाथ का दर्शन और जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में लाइन में खड़े नजर आए। श्रद्धालुओं द्वारा भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाने से पूरा वातावरण धर्ममय बना रहा और हर हर बम बम के जयकारों से गूंजता रहा। सुबह से श्रद्धालुओं ने हवन पूजन कीर्तन इत्यादि संपन्न कराए। सोमवार के दिन नागरिकों, महिलाओं, छोटे छोटे बच्चों ने व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का जत्न किया। इस अवसर पर नंदी यानी बैल को लेकर साधु संत श्रद्धालुओं से भिक्षा लेते हुए भी नजर आए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में पहुंचकर परिवार सहित नगर और प्रदेश के कुशल मंगल की कामना भी की। सावन का पहला सोमवार को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन भी सतर्क नजर आया और उदयपुर, गमाकर सहित अन्य प्रसिद्ध शिव मंदिरों में पुलिसकर्मी सुरक्षा की दृष्टि से खड़े नजर आए।